मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की अभी जांच ही चल रही है। ऐसे में सिंगरौली से भी नर्सिंग कॉलेज में गड़बड़ी की खबर सामने आई है, जहां छात्रों ने नर्सिंग कॉलेज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि उनका एडमिशन पिछले वर्ष हुआ था, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं। सिंगरौली जिले में नर्सिंग कॉलेज के कई छात्रों ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। सिंगरौली नर्सिंग कॉलेज के छात्रों का कहना है कि कॉलेज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनका एडमिशन पिछले वर्ष हुआ था, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने छात्रों की शिकायत सुनकर टीम गठित की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद जिन स्कूलों और कॉलेजों की मान्यता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उन पर कार्यवाही की जाएगी। आज कुछ छात्राएं नर्सिंग कॉलेज के आए थे, उनका ये आवेदन है कि उनको बताया नहीं गया कि संस्था की मान्यता है कि नहीं है। जब उनने पता किया तो मान्यता है नहीं है, जिससे उनकी एग्जाम नहीं हो पा रही है और उनको फीस भी उनकी ले ली गई है। ना तो फीस वापस करने को तैयार है और ना संस्था को भी मान्यता मिली है। उनके आवेदन में दो मुख्य बिंदु थे। मैंने आज ही ADM और CMHO की टीम बना दी है, ये जाके जांच करेंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैं द सिंगरौली इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज बैढ़न जिला सिंगरौली से हूँ। मेरा मामला ये है कि हम लोग का 2023 में एडमिशन लिया गया था और अब बोला जा रहा है कि 2024 से आप लोग का न्यू एडमिशन फिर से लिया जाएगा एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद। पहले एंट्रेंस एग्जाम आप लोग निकालिए, इसके बाद आप लोग का मतलब एडमिशन होगा, न्यू एडमिशन। क्योंकि आप लोग का जो रिजल्ट मिलेगा 2024 सेशन से आप लोग का न्यू बैच स्टार्ट होगी, इस तरह से हम लोग का कॉलेज द्वारा बोला जा रहा है। अगर हम लोग अगर एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और हम लोग का अच्छी रैंकिंग आती है, अच्छे नंबर हम लोग लाते हैं, अगर हम लोग के गवर्नमेंट कॉलेज या अगर कोई भी कॉलेज में अगर हम लोग जाते हैं, कोई भी कॉलेज सेलेक्शन होती है, अगर किसी अपना कॉलेज छोड़कर किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को फी रिटर्न नहीं करी जाएगी, फी रिफंड हम लोग का नहीं। परेशानी ये है कि हम लोग 2023 के स्टूडेंट हैं, हम लोग 2023 में एडमिशन लिए द सिंगरौली इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज में, और फिर यहाँ पे 2024 में जो अपडेट आया है इंटर्स एग्जाम के लिए, तो इसमें अभी बोला जा रहा है कि 2023 भी इंक्लूड है, 2023 को भी देना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं देते हैं तो हम लोग आगे पढ़ाया नहीं जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा, या फिर अगर हम लोग चाहते हैं कि रिफंड मिल जाए तो रिफंड भी नहीं दिया जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।